दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने जहाँ पे सबको झकझोर कर रख दिया है, वहीं कुछ ऐसे एक्टर्स हैं और कई ऐसे उनके फैंस हैं जो सामने आए हैं और उन्होंने उनकी जो मौत का कारण है वो सीधा सीधा नेपोटिज्म बताया है। जी हाँ, बॉलीवुड में जो नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और बॉलीवुड में कई ऐसे सेलेब्स हैं और कई ऐसे प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो कि सिर्फ स्टार किड्स को ही लॉन्च करते हैं और उनको ही लॉन्च पैड्स मिलता है फिल्म्स में। और जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं जो कि दूर दूर से आते हैं और काफ़ी टैलेंटेड होते हैं और उनको वो फिल्म नहीं दी जाती और स्टार किड्स को हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस पे ही रखा जाता है इन सब चीज़ों में। जी हाँ, और नेपोटिज्म को बढ़ावा देने वाले और फैलाने वालों में जो नाम आ रहा है, जो सलमान खान का नाम आ चुका है, करण जौहर का नाम आ चुका है, यशराज फिल्म्स का नाम आ चुका है और कई ऐसे प्रोडक्शन हाउसेज हैं जिनका नाम आ चुका है जो कि नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं बॉलीवुड में, ऐसे आरोप लग रहे हैं इन सब पे। आपको बता दें कि इन सब के बीच में सलमान खान की एक एक्ट्रेस हैं, जी हाँ, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की दिल बेचारा का पोस्टर अपने ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट किया है और वो हैं जैकलिन फर्नांडस। जी हाँ, और उन्होंने इस ट्वीट के साथ लिखा है, सुशांत के यूं अचानक जाने से दिल में एक शून्य पैदा हो गया है। उसी ने मुझे सिखाया कि मुश्किल समय में सभी के साथ खड़े रहो। मैं भी अगर कभी परेशान होती थी तो हमेशा उसकी मदद लेती थी। उसके जाने के बाद से उसकी आखिरी फिल्म देखना मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सुशांत अपनी एक्टिंग से एक बार फिर स्क्रीन को जगमगा देगा। इसी बात से मुझे शांति जरूर मिलेगी। आपको बता दें दोस्तों कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जैकलिन फर्नांडिस ने एक फिल्म भी की थी। जी हाँ, और इस फिल्म का नाम था ड्राइव। जी हाँ, ये 2019 में एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी और इस फिल्म को धर्मा प्रोडक्शंस के अंडर बैनर में ही बनाया गया था। और आपको बता दें कि जब ये फिल्म रिलीज हुई तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इसको रिलीज किया गया और इसी बात को लेकर सुशांत सिंह राजपूत की करण जौहर से इन सब चीजों को लेके बात भी हुई थी और तब से सुशांत सिंह राजपूत काफी परेशान चल रहे थे और उसके बाद उनसे एक के बाद एक फिल्में छीनी गई। दोस्तों, अब बात आती है उनके दिल बेचारा जो फिल्म आ रही है। जी हाँ, इस फिल्म को भी अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज कर रहे हैं, वो भी 24 जुलाई को। ये फिल्म आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के अब इस चीज के लिए वो डिजर्व नहीं करते हैं, अब वो डिजर्व करते हैं थिएटर पे ही। जी हाँ, उनकी इस फिल्म को थिएटर पे ही रिलीज होना चाहिए, ना कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, और इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर ही बनना चाहिए। आप कितने सहमत हैं मेरी इस बात से, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपका क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले में, हमें कमेंट ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।